हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्रूड ऑयल एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्रूड ऑयल बंद हुआ है 8618 पे, लगभग 50 रुपीज़ नीचे, लगभग हाफ अ परसेंट लॉस के साथ। तो चलो एनालिसिस शुरू करते हैं फॉर विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि क्रूड जो है तो अभी भी गेन के साथ ट्रेड कर रहा है फॉर द मंथ। ऊपर के लेवल से हमने अच्छे खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी, वोलेटिलिटी भी देखी, मगर हम फिर भी जो है तो अच्छे खासे गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं फॉर द मंथ। लगभग 18% प्लस के गेन दिखा रहा है क्रूड, और यहाँ जो है तो लगभग 1350 रुपये के गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। लगभग ये चौथा महीना होगा क्रूड के लिए जिसमें जो है तो क्रूड पॉजिटिव गेन के साथ बंद हो रहा है। ऊपर हमने 10,000 का लेवल देखा था, जो हमारा सुपर बुलिश टारगेट था वो अचीव हो चुका है, मगर जिस तरह से नीचे के लेवल पे क्रूड सपोर्ट ले रहा है तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम 10,000 का जो लेवल है वो भी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आता है लगभग 11,000 और 12,500 के अराउंड। तो वो लेवल्स आपको डेफिनेटली देखने होंगे आने वाले महीनों में। यहाँ मंथली चार्ट पे बुलिश दिख रहा है, मगर ओवरबॉट है तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहना होगा, या वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकती है। तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए सलाह है कि दूर रहिए, जो रिस्क ले सकते हैं उन्हें बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी एज पर इन्वेस्टमेंट। ऊपर जो है तो आपको 10,000 के टारगेट शायद क्रूड जो है तो फिर से दिखा सकता है। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने 2 हफ्ते जो है तो अच्छे खासे रिट्रेसमेंट देखी क्रूड में, मगर क्रूड ने नीचे के लेवल से अच्छा खासा सपोर्ट लिया है, और अभी भी हम जो है तो इस हफ्ते जो है तो गेन के साथ बंद हो रहा है लगभग 8.5%। तो ये दिखाता है कि क्रूड जो है तो उसका जो मोमेंटम है वो शायद बरकरार रहेगा, और आने वाले महीनों में हम शायद क्रूड को फिर से नया हाई लगाते देख सकते हैं। तो वीकली चार्ट पे बुलिश लग रहा है, यहाँ बाइंग की सलाह रहेगी एज पर वीकली चार्ट। यहाँ जो मेजर सपोर्ट है वो है 7460 के अराउंड। उसके ऊपर जब तक क्रूड है तब तक आपको लॉन्ग रहना चाहिए। बीच में एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट है लगभग 8140 का। तो उसके एक 8140, उसके बाद में 7460, और जो 20 वीक का जो एवरेज है वो है 6860 के अराउंड। तो ये मेजर लेवल रहेंगे। जिन्हें छोटा जो सपोर्ट है वो देखना है, उनके लिए सलाह रहेगी कि 8140 के ऊपर जब तक क्रूड ऑयल है वीकली बेसिस पे आपको लॉन्ग रहना चाहिए। ऊपर जो है तो फिर से आप टारगेट रख सकते हो 10,000 का। अगर 81640 के नीचे हम वीकली क्लोजिंग देते हैं तो फिर से हमें डीपर करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें क्रूड ऑयल 7460 और हो सकता है कि 6860 के लेवल को भी टेस्ट करें। तो यहाँ अभी तो वीकली चार्ट पे बुलिश लग रहा है, मगर हो सकता है कि आगे चल के अगर यहाँ सप्लाई कंसर्न कम हो जाते हैं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकता है यहाँ क्रूड ऑयल। तो जिनके लिए आपको, अगर आपकी लॉन्ग पोजिशन है और आपको एक मीडियम टर्म व्यू लेना है, तो 8140 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर आपको बुलिश रहना है। उसके नीचे जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्रूड में एक डीपर करेक्शन आ सकता है। तो वीकली चार्ट भी मुझे बुलिश लग रहा है, और यहाँ जो है तो हो सकता है कि हमें आने वाले हफ्तों में फ्रेश हाई लगाता हुआ दिखे क्रूड ऑयल। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने अच्छी खासी शुरुआत की थी शॉर्ट कवरिंग के साथ, मोमेंटम बिल्डअप हुआ, एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया 10,000 का। उसके बाद में उतने ही फास्ट तरीके से हम नीचे आए, लगभग 7100 के अराउंड जो है तो लो बनाया, वहाँ से फिर से बाउंस बैक देके हमने लगभग 9000 का लेवल जो था उसको टेस्ट करने की कोशिश की थी। उसके बाद में उसको टेस्ट कर यहाँ जो है तो हमने 8600 के ऊपर बुलिश ब्रेकआउट दिया है, और अभी जो है तो जिस तरह से प्राइस पैटर्न है डेली चार्ट पे, तो यहाँ आपको देखना है कि अगर क्रूड जो है तो 8900 का लेवल क्रॉस करता है तो हम जो है तो फिर से हम 10,000 और उसके ऊपर के लेवल 11,000 और 12,500 ये लेवल जो है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 8900 क्रॉस नहीं होता है तो हम नीचे जाएंगे, और यहाँ जो है तो 8094 जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो है 20 डेज का एवरेज, उसके नीचे जो है तो 7450 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा, वो रहेगा 50 डेज का एवरेज। तो इन दो लेवल के लिए आपको शॉर्ट जा सकते हो अगर हम 8900 क्रॉस करने में असफल रहते हैं। तो यहाँ डेली चार्ट पे मुझे लगता है कि हम जो है तो जब तक 8900 क्रॉस नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि कोई भी बुलिश व्यू लेना नहीं चाहिए। इंट्राडे में ज़रूर ले सकते हो, मगर पोजिशनल आपको स्विंग ट्रेड लेना है
तो 8900 के ऊपर ही लेना है, और ऊपर जो है तो फिर उस सिनेरियो में आपके टारगेट बनेंगे 10,000, 11,000 और 12,500 के। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वीकली चार्ट भी बुलिश लग रहा है, मंथली चार्ट भी बुलिश लग रहा है, तो हो सकता है कि शायद हम 8900 का लेवल क्रॉस कर दें। वो क्रॉस करते हैं तो मैं पोजिशनल ट्रेड लूँगा क्रूड में, जिसका टारगेट रहेगा 10,000, उसके बाद में 11,000 और 12,500 के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर फेल हुआ तो यहाँ जो है तो हम डीपर करेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है तो डेली चार्ट पे इंडिकेटर्स अभी भी बेरिश है, और यहाँ जो है तो जो ब्रेकआउट था वो फॉल्स बन सकता है, उसमें बहुत सारे लॉन्ग ट्रैप हो सकते हैं, और हम जो है तो 8100 और उसके बाद में 7450 के लेवल जो है तो टेस्ट करने के लिए क्रूड नीचे भी आ सकता है, अगर हमने 8900 का लेवल क्रॉस नहीं किया। तो यहाँ 8900 मेरे हिसाब से लक्ष्मण रेखा है, उसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे, उसके नीचे जो है तो शायद हम करेक्शन और कंसोलिडेशन कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। और इंडिकेटर वाइज जो है तो मुझे बेरिश लग रहा है क्रूड, प्राइस वाइज बुलिश है मगर इंडिकेटर वाइज जो है तो बेरिश है। तो यहाँ जो है तो मुझे लगता है कि आपको लेवल पे को वेट एंड वॉच करना चाहिए। 8900 के ऊपर हम बुलिश व्यू लेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, उसके नीचे जो है तो हम शायद मोस्टली शॉर्ट करने का ही सोचेंगे। आई विल नॉट कैरी शॉर्ट ट्रेड फॉर पोजिशनल बेसिस, शॉर्ट करना है हमें तो हम यहाँ जो है तो इंट्राडे में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम है कि अगर न्यूज़ फ्लो उसके सपोर्टिंग आ गया तो यहाँ जो है तो अच्छा खासा गैप अप देखने को मिल सकता है, तो उसके वजह से जो है तो शॉर्ट अगर आपकी होल्ड है तो उसमें अच्छे खासे लॉसेज बैठ सकते हैं। तो आई विल मोस्टली प्रीफर लॉन्ग साइड, अगर लॉन्ग में मुझे ब्रेकआउट मिलता है या फिर सपोर्ट पे मिलता है तो वहाँ मैं लॉन्ग करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ जो है तो क्रूड ऑयल मुझे लगता है कि फिर से रिवर्सल के साइन दिखा रहा है, तो यहाँ मोस्टली हम लॉन्ग साइड ही चूज़ करेंगे विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो विद द लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलोअप तो आप मेरी प्रीमियम सर्विस ले सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।